हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश लर्नर्स। एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट अ स्टोरी, द ऑफन गर्ल। सो लेट्स गेट स्टार्ट द स्टोरी। द ऑफन गर्ल में होगा ये अनाथ लड़की। ऑफन मीन्स क्या होता है? अनाथ। यहाँ पे रॉ साइलेंट होगा, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा ऑफन, ना कि ऑर्फन। गर्ल मीन्स लड़की, तो ये अनाथ लड़की की कहानी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट, मीन्स कड़ाके की ठंड की रात। कोल्ड विंटर मीन्स कड़ाके की ठंड की रात, नाइट मीन्स रात। एन ऑफन गर्ल वॉज बेगिंग ऑन द स्ट्रीट्स। एक लड़की, अनाथ लड़की, ऑफन गर्ल, अनाथ लड़की, वॉज बेगिंग मीन्स भीख मांग रही थी, ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों सड़कों पर। स्ट्रीट मीन्स होता है गली, सड़क। तो वह जो है सड़कों पर भीख मांग रही थी। प्लीज़ गिव मी समथिंग वॉर्म टू वियर। प्लीज़, कृपया, गिव मी, मुझे दो। गिव मीन्स देना, मी, मुझे दो। समथिंग मीन्स कुछ। वॉर्म मिस होता है गर्म। वॉर्म टू वियर मिस यहाँ कपड़े की बात कर रही है, कि कुछ पहनने के लिए गर्म कपड़ा दो। वॉर्म मिस गर्म कपड़ा भी होता है। टू वेयर मिस पहनने के लिए। प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट। और कृपया, गिव मी, मुझे दो, सम फूड, कुछ फूड, टू ईट, खाने के लिए। सी केप्ट रिपीटिंग, वह जो है दोहराती, रिपीट मिस दोहराना, और होगा केप्ट रिपीटिंग मिस वह दोहराते रही कोई काम। ये केप्ट ये पास्ट की बात है, अगर प्रेजेंट में बात करें तो कीप रिपीटिंग मिस दोहराते रहो, अभी की बात, कीप रीडिंग पढ़ते रहो, तो ये केप्ट है मिस ये करते रही हो पास्ट में, इसलिए यहाँ पे लगाया गया है केप्ट। तो केप्ट रिपीटिंग मिस वह दोहराती रही। नोबडी टुक पिटी ऑन हर, ये टुक पिटी मिस होगा, ये टेक पिटी मिस होता है दया करना। तो किसी ने, नोबडी मिस किसी ने भी, किसी ने नहीं, टुक पिटी मिस दया नहीं किया ऑन हर उस पर, येट अभी तक, येट मिस होता है अभी तक। शी डिड नॉट गिव अप, वह हार नहीं मानी। गिव अप मिस क्या होता है? हार मान लेना, छोड़ देना। तो शी डिड नॉट गिव अप मिस उसने हार नहीं माना। स्लोली मिस धीरे धीरे, द स्ट्रीट मिस गली जो था, स्टार्टेड गेटिंग एम्प्टी मिस खाली होने लगा। एम्प्टी मिस क्या होता है? खाली होना। स्टार्टेड गेटिंग मिस कोई काम होने लगा, तो ये गली जो है, ये जो सड़क था वह खाली होने लगा। द ऑफन गर्ल नोटिस्ड अ बिग हाउस, ऑफन जो अनाथ लड़की है वह नोटिस्ड मिस देखा अ बिग हाउस, एक बड़ा घर, हाउस मिस घर, एक बड़ा घर उसने देखा। शी वेंट टू द हाउस एंड बेग्ड फॉर फूड एंड क्लोथ्स। शी वेंट, गो का ये सेकेंड फॉर्म है वेंट, वह गई। टू द हाउस मिस घर के पास, टू द हाउस मिस होगा घर के पास गई। एंड बेग्ड और भिक्षा मांगा, फॉर फूड एंड क्लोथ्स मिस खाना और कपड़ा। बट द प्राउड ओनर शूड हर अवे, प्राउड ओनर मिस जो घमंडी मालिक था, ओनर मिस मालिक होता है, प्राउड मिस होता है घमंड गर्व, तो ये जो घमंडी मालिक था, सू अवे मिस होता है किसी को डांट कर, जोर से किसी को जब हम डांट के भगा देते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं सू अवे। तो वह क्या किया, ये ईडी लगा है, यानी पास्ट की ये बात है इसलिए ईडी लगा है। तो शूड हर अवे मिस उसको डांट कर भगा दिया वहाँ से। द गर्ल वॉज हर्ट बट डिड नॉट लूज होप। गर्ल वॉज हर्ट, हर्ट मिस चोट लगा, लड़की को चोट लगा अंदर से मिस, वो डांटा तो उसको दुख लगा, बट लेकिन डिड नॉट लूज होप, लूज मिस खोना, होप मिस आशा, तो उसने अपना आशा उम्मीद, होप मिस होता है आशा उम्मीद, उसने अपना आशा उम्मीद नहीं खोया। सींग अ लिटिल कॉटेज बिहाइंड द हाउस, सींग मतलब देख कर, अ लिटिल कॉटेज, लिटिल मिस छोटा, कॉटेज मिस क्या होगा, झोपड़ी। बिहाइंड मिस पीछे, द हाउस उस घर के, वह जो अमीर आदमी का घर था उस घर के पीछे इसने एक ये छोटा सा झोपड़ी देखा, तो वह देख कर, शी वेंट वह गई, देयर मिस वहाँ, एंड नॉक्ड और खटखटाया। नॉक मिस होता है दरवाज़ा खटखटाना, तो नॉक्ड मिस खटखटाया। अ यंग लेडी, एक यंग मिस युवा महिला, हु हैड अ इन्फंट बॉय इन हर आर्म्स एंड अ लिटिल गर्ल बिहाइंड हर, जिसके पास क्या था, इन्फंट बॉय मिस बहुत नवजात जो शिशु होता है उसके लिए हम यूज करते हैं इन्फंट मिस, बहुत छोटा बच्चा। इन हर आर्म्स मिस उसके गोदी में, आर्म मिस क्या होता है, बाँह, भुजा, आर्म्स मिस होता है गोदी, तो उसके गोदी में जो है वो अपने छोटे बच्चे को लिए हुए थी। एंड लिटिल गर्ल, और छोटी लड़की, बिहाइंड हर और उसके पीछे, बिहाइंड हर, बिहाइंड मिस पीछे, हर मिस उसके पीछे, ये लिटिल गर्ल छोटी लड़की थी। ओपन द डोर, ओपन मिस खोलना, ओपन मिस खोला द डोर दरवाज़ा, ओपन द डोर मिस दरवाज़ा खोला। शी आस्ड उसने पूछा, आस्क मिस पूछना कहना, आस्ड मिस पूछा,
हर हर मिस उससे शी आस्क्ड हर मिस ये उसने ये जो लेडी है इसने उससे पूछा व्हाट शी वांटेड वह क्या चाहती थी वांटेड मिस चाहती थी उसने पूछा कि वह क्या चाहती थी द ऑफन गर्ल जो अनाथ लड़की है बेग्ड एज यूजुअल मिस उसने भिक्षा मांगी हमेशा की तरह एज यूजुअल मिस क्या होगा हमेशा की तरह इसने भिक्षा मांगी प्लीज कम इन तो ये लेडी जो है महिला बोलती है प्लीज कम इन अंदर आओ इट इज रियली कोल्ड आउटसाइड सच में बाहर बहुत ठंड है रियली मिस सचमुच कोल्ड आउटसाइड आउटसाइड मिस बाहर कोल्ड मिस ठंडा मिस सच में बाहर में ठंडा है अंदर आ जाओ आई डू नॉट हैव मच मिस आई डू नॉट हैव मच मिस क्या होगा मेरे पास बहुत नहीं है है मिस कुछ पास होना मच मिस बहुत मेरे पास बहुत नहीं है बट लेकिन आई विल हेल्प यू लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करूँगी हाउ एवर आई कैन हाउ एवर मिस हालांकि होता है यद्यपि होता है जो मतलब जो कुछ भी तो ये कह रही है कि जो कुछ भी मेरे से बन पाएगा वो मैं करूँगी जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी आई कैन मिस मैं कर सकती हूँ जो कुछ भी मैं जो भी कर सकती हूँ मैं करूँगी सेड द काइंड लेडी सेड मिस कहा से मिस कहना सेड मिस कहा द काइंड मिस दयालु लेडी महिला ये महिला जो है दयालु महिला जो है वो बोलती है कि जो कुछ भी मेरे से बन पाएगा वो मैं करूँगी शी गेव द बेगर गर्ल शेल्टर शी गेव मिस दिया गिव मिस देना गेव मिस दिया द बेगर गर्ल शेल्टर शेल्टर में क्या होता है आश्रय सो मतलब रहने के लिए कुछ आश्रय दिया तो उसके लिए बोल रहा ये कह रहा है कि शी गेव द बेगर गर्ल शेल्टर उसने बेगर गर्ल को आश्रय दिया भिखारी को भिखारी लड़की बेगर गर्ल मीन्स क्या होगा भिखारी लड़की उसने आश्रय दिया शी ब्रॉट हर अ ब्लैंकेट एंड इवन सम फूड शी ब्रॉट ब्रिंग मिस लाना ब्रॉट मिस लाया हर उसके लिए ब्लैंकेट मिस क्या होता है कंबल एंड इवन सम फूड और कुछ फूड भी लाया और यहाँ तक कि कुछ उसके लिए फूड भी लाया द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग मिस अगली सुबह व्हेन द लेडी वोक अप जब व्हेन मिस जब द लेडी वोक अप वेकअप मिस उठना होता है वोक अप मिस उठी शी वॉज सरप्राइज्ड वह हैरान थी सरप्राइज में आश्चर्यचकित रह जाना हैरान रह जाना तो वह हैरान थी वॉज मिस थी शी वॉज सरप्राइज्ड मिस वह हैरान थी टू सी हर सेल्फ लाइंग ऑन अ गोल्डन बेड विथ हर चिल्ड्रेन अराउंड हर मिस वह जो है सी मिस देखकर देखा सरप्राइज टू सी देखकर हर सेल्फ मिस खुद को हर सेल्फ मिस खुद को लाइंग मिस कहीं पड़ा रहना कहीं लेटा हुआ तो खुद को उसने लेटा हुआ देखा ऑन अ गोल्डन मिस सोने के बेड पर विथ हर चाइल्ड चिल्ड्रेन विथ हर चिल्ड्रेन अपने बच्चों के साथ विथ मिस साथ हर चिल्ड्रेन बच्चों के साथ अराउंड मिस चारों तरफ हर उसके चारों तरफ देयर वॉज नो साइन ऑफ द ऑफन गर्ल एनीवेयर मिस ये जो है कहीं भी ऑफन गर्ल का कोई अता पता नहीं था नो साइन मिस होगा कि कोई चिन्ह नहीं था कोई निशान ही नहीं था ऑफ द ऑफन मिस अनाथ लड़की का एनीवेयर मिस कहीं भी मिस वहाँ पे कहीं भी उस लड़की का कोई अता पता नहीं था कोई चिन्ह निशान नहीं था शी ऑल्सो फाउंड अ नोट विच सेड उसने एक नोट भी पाया फाइंड मिस पाना फाउंड मिस पाया अ नोट विच सेड जो कहा सेड मिस कहा विच मिस जो माई चाइल्ड मेरी बच्ची यू वर काइंड टू मी यू वर मिस तुम थी काइंड दयालु टू मी मतलब मेरे लिए मेरे प्रति सो यू डिजर्व द रिचेस यू डिजर्व मिस लायक होना किसी चीज़ का पात्र होना किसी चीज़ का लायक होना तो उसके लिए हम बोलते हैं कि डिजर्व द रिच मिस होता है अमीर रिचर्स मिस धन संपत्ति होता है तो ये कह रही है कि तुम ये धन संपत्ति के लायक हो यू तो यही ये जो है सो लिखा हुआ था कि यू डिजर्व द रिचेस तुम ये जो है धन के लायक हो धन संपत्ति के तुम लायक हो रिच मिस तो धन ही होता है रिचर्स मिस धन संपत्ति होता है और डिजर्व मिस लायक होना तो योर हेवनली फादर तुम्हारा स्वर्गीय पिता हेवन मिस होता है स्वर्ग हेवन मिस क्या होता है स्वर्ग और हेवनली मिस स्वर्गीय फादर पिता तुम्हारा स्वर्गीय पिता शी रियलाइज उसने महसूस किया रियलाइज मिस महसूस करना रियलाइज मिस महसूस किया द गर्ल वॉज नन अदर देन गॉड हिमसेल्फ द गर्ल वॉज नन अदर देन गॉड हिमसेल्फ इन डिसगाइज मीन्स वो जो लड़की कोई और नहीं बल्कि स्वयं भेष में भगवान थे
द गर्ल वॉज नॉन अदर मिस होगा कोई और नहीं गॉड हिमसेल्फ खुद भगवान इन डिसगाइज मिस वेश में। डिसगाइज मिस क्या होता है कि वेश बदलना या किसी के वेश को धारण करना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिसगाइज। तो ये क्या कहती है, इसने महसूस किया कि लड़की कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान है वेश में, स्वयं भगवान थे इसके वेश में, वॉज मिस थे। सो ये आज की स्टोरी है फ्रेंड्स। ये जो है, ये लड़की जो है गई थी फर्स्ट में एक बिग हाउस, बड़े घर देखकर कि धनी है ये हेल्प करेगा, बट उसने इसे डांट कर भगा दिया। और ये जो है दयालु महिला, काइंड लेडी ने इसके पास कुछ भी ना होते हुए भी इसने इसकी मदद की। सो फ्रेंड, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होगी, हम लोगों को भी गरीबों के प्रति दया भाव रखनी चाहिए और जो भी बंद पड़ता है उनकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए, तो डेफिनेटली गॉड आपकी सहायता करेंगे। तो और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो डैट इसी तरह की वीडियो और भी मैं आपके लिए लाती रहूँ।